मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के मेरे वीडियो सबसे पहले देखें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी रसोई। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ, एक से बना हुआ पिज्ज़ा, जो कि ये बनाने में बहुत ही आसान और कम सामग्री में बन जाता है। तो आइए देख लेते हैं एक पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो एक पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिए हैं सबसे पहले 3 अंडे और मैंने कुछ फ्रेश सब्जियाँ ली हैं, जिसमें से कि 1 कप के बराबर कटे हुए फ्रेश पालक, आधा प्याज, आधा शिमला मिर्च, आधा टमाटर और आधा आलू। इन सबको मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइड में काट लिए हैं और मसालों में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है। बहुत थोड़े से 1/2 टेबल स्पून के बराबर है जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के बराबर है काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बनाना अपना एग पिज्ज़ा। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़े से ऑलिव ऑयल डाल के इसे गर्म कर लिया है। बहुत ही थोड़े से ऑलिव ऑयल की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो डाल दें। और इसमें ऑलिव ऑयल डालने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे अपने कटे हुए आलू, क्योंकि आलू थोड़े टाइम लेता है पकने में। तो सबसे पहले आप इसमें आलू अपना डालें और इसे अच्छे से पका लें, इससे थोड़ा सा कवर कर दें, ये बहुत जल्दी पक जाएगा, 1/2 मिनट के अंदर ये पक जाएगा। जैसा कि 1/2 मिनट हो चुका है, आलू को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगता है बनाने में। आलू देखिए हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने फ्रेश कटे हुए पालक। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप चाहे तो इसे अपने बच्चों को, अपने घर में जितने भी लोग हैं, आप सबको इसे खिलाएं। और जैसे ही इसमें पालक हम ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा ऐड कर देंगे नमक, और आपने जो मसाले लिए हैं जैसे कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा वो भी इसमें डाल दें, और थोड़ा सा जीरा पाउडर वो भी डाल दें, और इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसे ऐसे ही चारों तरफ फैला के लो फ्लेम पे कवर करके 1 मिनट के लिए पकने दें। अब जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं, तब तक आइए अपने अंडे को फेंट लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लें, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा अंडा तैयार हो चुका है, आइए अपनी सब्जियों को देख लेते हैं। देखिए पालक बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम इसके ऊपर से ये जो अंडा मैंने फेंटा हुआ है, वो अब इसे चारों तरफ से ऐसे करके फैला लें। अंडे को चारों तरफ से ऐसे बराबर में फैला लें। और जैसे ही इस अंडे को फैलाएं, अब इसमें हम अपनी कटी हुई जितनी ये सब्जियां लिए हैं ये ऐड कर देंगे ऐसे। इस तरीके से आप इसे फैला लें चारों तरफ, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी अपने बच्चे को खिलाना है या फिर आपको जो भी सब्जियां पसंद हैं, आप इसमें ऐसे ऐड कर लें चारों तरफ से। ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल हिलाना नहीं है या फिर किसी भी चीज़ से चलाना नहीं है, बस इसे लो से मीडियम के फ्लेम पे करके इसे ऐसे कवर करके कम से कम 5 मिनट तक ऐसे छोड़ देना है। 5 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा, इसे 3 से 4 मिनट लगेंगे पकने में, एकदम लो फ्लेम पर इसको पकाएँ। चलिए इसे पका लेते हैं 3 से 4 मिनट तक। जैसा कि 3 से 4 मिनट हो चुका है, आइए अपने पिज्ज़े को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर और लुक है। ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। ये देखिए इसको कैसे पका है या नहीं पका है चेक करने के लिए, इसे आप ऐसे
प्रेस करें। अगर ये इसमें टूट नहीं रहा है या फिर आपके ये फोक अंदर नहीं जा रहा है, मतलब कि आपका ये पिज्ज़ा परफेक्टली बनके तैयार हो चुका है। तो आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितने कम समय में और कितनी कम सामग्री में हमारा हेल्दी एग पिज्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे अपने बच्चों को, अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर को, किसी को भी खिलाएं। और आइए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए कितने आसानी से ये कट जा रहा है। ये सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो चुकी हैं। इसे घर पर अपने बनाएँ और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आप मुझे बताएं कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।